मेरी फिर फैमिली कैसे हैं सब। आयो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह आप लोगों के लिए आप लोगों की फरमाइश से लेकर आए हैं चटनी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो हमारी फैमिली की माशाल्लाह रेसिपी है। हम लोग बनाते हैं अपने तरीके से बनाते हैं, आप लोग भी देख के इसी तरह बनाएं, देख लें कितनी मज़ेदार है। अब पेशावर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में आप चटनी कबाब बना सकती हैं वो भी मज़ेदार। अब स्टार्ट करती हैं, बातें तो बहुत हुई है, अब स्टार्ट करती हैं रेसिपी किस तरह बनाई है। बहुत ही फेमस पेशावर के चप्पल कबाब भी कहती हैं, चपली कबाब भी कहती हैं, बहुत ज़बरदस्त, आप अपने घर में बना सकती हैं, होम मेड माशाल्लाह बना सकती हैं। आपको सिखाएंगे किस तरह हम अपने घर में बनाते हैं चपली कबाब। ये 3 पाव कीमा है, मटन की भी ले सकती हैं, बीफ की भी ले सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी सेहत के ऊपर है। इसमें ऐड कर लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट और 1 बड़े साइज़ की प्याज है, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून भर के चपली कबाब मसाला ऐड कर लिए। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, ये नॉर्मल है। अगर कम खा सकते हैं तो कम मसाला डाल सकते हैं, आपकी अपनी ऊपर है। इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून पपीता की पेस्ट शामिल कर ली है। इसके बाद आपको जो भी डालेंगे इसके अंदर आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लें क्योंकि मसालों के अंदर पहले से नमक शामिल है। अभी इसके बाद इसमें 1 अंडा, अभी 1 अंडा शामिल कर लिए। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो एक और डाल देंगे, अभी देखते हैं। इसके बाद ये बेसन है, इसको अच्छी तरह साफ कर लिए 1 टेबल स्पून, और ये 2 हो गए, ये 3, अभी 3 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर लिए। इसके बाद ये टमाटर है 1 अदद, इस तरह छोटे टुकड़े कर लिए। ये हरी मिर्च है 2-3 अदद कट कर लें इस तरह। ये पुदीना है 1/2 गट्टी और धनिया 1/2 गट्टी। अभी सबको मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद देखते हैं, अगर अंडे की ज़रूरत पड़े तो डाल देंगे, अगर नहीं तो नहीं डालेंगे। एक साथ कभी भी बेसन और अंडा एक साथ नहीं डाल दें, पहले थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर लें, इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो डाल दें। ये देखिए, अभी ये दूसरा अंडा है, ये भी ऐड कर लिए। तकरीबन 2 अंडा चाहिए 3 पाव कीमा के लिए। ये लेमन है, अभी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन की जूस ऐड कर लिए। माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश लेमन है, बहुत माशाल्लाह जूसी। अभी इसको मिक्स कर लें, बस अब माशाल्लाह रेडी है। अभी आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं पेशावरी चप्पल कबाब। करते हैं चपली कबाब बनाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह बनाते हैं। ये देखें, इजी तरीके से बन सकती है ये, बस दोनों हाथों की मदद से इस तरह। आपकी मर्जी है, अगर आपको बड़ी चाहिए तो बड़ी बना दें, छोटे साइज़ की बना सकती हैं छोटे बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम स्लो रख लें अभी, क्योंकि कीमा कच्चा है बॉयल नहीं है, ताकि फ्लेम स्लो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली है गल जाए कीमा। अब दूसरा बनाएंगे, आपको दिखाएंगे दोनों हाथों की मदद से। पहले इसको गोल कर ली, इसके बाद इसको पतला कर ली। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल तो होगा जो न्यू है। इसके बाद माशाल्लाह ये देखें, इजी तरीके से बन गए। अभी ये माशाल्लाह एक साइड से बन गया है,
दूसरी साइड पे कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह मजेदार चप्पल कबाब अब रेडी है। माशाल्लाह अब इसको प्लेट के अंदर डाल रहे हैं। बहुत मजे की बनी है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, मुंह पे पानी आ रही है मेरी बेचारे अभी से सब कालों में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।